नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक और एनालाइज वीडियो में आपका स्वागत है। कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी ऑप्शन एक्सपायरी का दिन है। देखते हैं क्या कुछ मोमेंटम हो सकता है, क्या कुछ आज की संभावनाएं थी, क्या कुछ आज मार्केट ने किया, हमने क्या उम्मीद करी थी। हमने मार्केट में कल के लिए आपको बताया था कि मार्केट ऊपर की ही मुझे एक्सपेक्टेशन है, नीचे की अब मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया से रिकवर होकर उठा था और मार्केट ऊपर की साइड में आ चुका है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं तो ये गैप फिलिंग का एरिया है जो अभी लगभग कंप्लीट नहीं हुआ, उस गैप फिलिंग की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। बट छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमें इसमें बहुत सारी और भी अदर चीज़ें समझ में आएंगी। ये एक रेसिस्टेंस भी है दोस्तों, इस रेसिस्टेंस के बाद में मार्केट एक रिट्रेसमेंट के लिए नीचे की साइड भी आ सकता है। ठीक है, एक घंटे ये हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो देखो एक अच्छी चीज़ हमें दिखाई दे रही है जो हम काफ़ी दिनों से लेके चल रहे हैं अपना चैनल वाला सिस्टम। वो चैनल वाले सिस्टम में यहाँ यहाँ और यहाँ के आसपास हम कई जगहों पे, यहाँ एक ट्रेपिंग का एरिया था, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड चलना स्टार्ट हुआ था। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट अब इस एरिया से ऊपर है, हो सकता है कि मार्केट एक इसका सहारा लेने के लिए आए या इसके आसपास से अगर कोई प्राइजेक्शन बनाता तो ऊपर के लिए हम प्ले कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। नीचे के लिए प्ले अब हम तभी करेंगे या तो इस एरिया में आए या इसके नीचे के जाने के बाद में हम प्ले करेंगे, इस साइड से नीचे यानी कि इस लेवल से नीचे जाने में, यही बात की गई। अब एक्सपायरी आ चुकी है, मैंने ये भी कहा था कि 2 दिन का टाइम फ्रेम हमारा लगभग इसी के आसपास और इसी के बीच में रहने वाला है। ये चैनल हमारा इंपॉर्टेंट है, इस चैनल में ये ऊपर से दूसरा ये तीसरा पॉइंट आ रहा, इसी पॉइंट के आसपास मार्केट आज होल्ड हुआ है। मैंने अपने ग्रुप में भी भेजा था, ये एक ट्रैपिंग का एरिया है, आपको इसे संभल के रहना है ऊपर की साइड में। और कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी चल ही रही थी गैप फिलिंग की, उस साइकोलॉजी को चलते ये चीज़ें संभव हैं कि लोग ऊपर के लिए प्लान करके बैठे और वो ट्रैप होंगे। जैसे ये वाला एरिया ब्रेक हुआ, एक बहुत अच्छी गिरावट 1 मिनट में, आपको ये 15 मिनट में 2 कैंडल दिखाई देती है लेकिन अगर आप इसे 1 मिनट में आगे देखोगे तो पूरा का पूरा ये एक अच्छा खासा गिरावट है। तो हम 1 मिनट को ट्रिगर के तरह से यूज करते हैं तो ये एक अच्छी ट्रेड हमारे लिए हो सकती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो ये एरिया जैसे ही ब्रेक करता है उस एरिया के ब्रेक के बाद में ये गैप फिलिंग वाले लोग एक्टिवेट हो जाते हैं और यहीं से एक साइकोलॉजिकली आपको 1 मिनट पे कोई ना कोई ट्रेप या कोई ना कोई पैटर्न आपको मिल जाता है, इसी पैटर्न के बेसिस पे आपको एक अच्छी ट्रेड यहाँ मिल जाती। ठीक है दोस्तों, कल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि ये वाला एरिया जब तक क्रॉस ना करे इसके नीचे हम सेलिंग का व्यू बना के रखेंगे। ये एरिया क्रॉस करके स्टे करके ऊपर की साइड जाना शुरू करे तो एक बहुत ऊपर की मैं तरफ देख रहा हूँ, ये लेवल भी कवर हो जाएगा, ये लेवल भी कवर हो जाएगा, ये काफ़ी ऊंचे लेवल है, ये कवर हो सकते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे उम्मीदें नहीं मार्केट में। मार्केट कहीं ना कहीं यहीं से या इस मॉर्निंग में एक ट्रिप करते हुए नीचे की साइड आ सकता है जो अपना फिबो का रेस्ट लेकर कहीं ना कहीं समवेयर इसी के बीच में, हाई एक्सपेक्टेड एरिया इसी के बीच में मार्केट कहीं क्लोज कर सकता है, इस रेंज से इस रेंज के बीच में। दोस्तों हम प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करते हैं, बड़ी टाइम फ्रेम पे अपना व्यू लेते हैं। आज भी अगर हम व्यू लेते तो मार्केट यहीं से खुल के, मार्केट ने जस्ट इस एरिया को जो एरिया अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, देखो मैंने मार्क करके ग्रुप में भी भेजा था और कहीं ना कहीं ग्रुप में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर पहले ही कर दी थी। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो दोस्तों जुड़ सकते हो मॉर्निंग के टाइम में ही। अगर आप मेरे मैसेजेस देखोगे, काफ़ी सारे मैसेजेस, आज मैं फुल डे एक्टिव था तो काफ़ी सारे मैसेज मैं कर पाया था मॉर्निंग में। ये चार्ट भेजने के बाद में मैंने कह दिया था ऑलवेज वेट फॉर बेटर MTF प्राइस एक्शन 1 मिनट के ऊपर आप कर सकते हो। जब इस एरिया में आया था मैंने कहा था इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन, अपनी लाइन की इंपॉर्टेंस बन रही है। इसके बाद में जब मार्केट ये गया तो मैंने 1, 2, 3 टेप और ट्रेपिंग एरिया बताया था कि मार्केट ने ट्रेप करके नीचे की साइड जा रहा है। इसके बाद में जब नीचे आया तो अपना ये फिबो का प्लेस मैंने किया था कि मार्केट यहाँ से वापस से उठ सकता है। इसके बाद में वापस मार्केट उठेगा तो मैंने कहा था अब मार्केट डिसाइड कर सकता है कि किधर जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम मार्केट में अपडेट करता रहता हूं दोस्तों। अगर आप नहीं जुड़े हो तो आप इसमें जुड़ सकते हो। जैसे ये GIA एरिया बना था, मैंने कहा था कि ये एरिया तक मार्केट आएगा, ये अपना ऐसा लैंडिंग एरिया है तो इसी के आसपास मार्केट आता है। देखो ये इसी के आसपास है, आपको ग्रुप में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आप यहाँ जुड़ सकते हो। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ के एक टास्क के लिए आप मेरे को बोल सकते हो, टास्क ग्रुप में ऐड ऑन कर दूंगा। यहाँ आप टास्क करोगे और उस टास्क के जरिए आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं कल के लिए, एक्सपायरी का दिन है, ज्यादा बड़ा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर ज्यादा बड़ा मोमेंटम अगर देखा भी जाए तो अपसाइड में ही आएगा, आएगा तो जहाँ संभावना है, तो मार्केट डाउन साइड में ये भी एक बड़ा ही मोमेंटम हो जाएगा। लेकिन आजकल की वॉलीटिलिटी के हिसाब से ये मोमेंटम का ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता,
लेकिन फिर भी यहाँ तक 50 में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जैसा अपने को एक मिनट के ऊपर 15 मिनट के साथ में एक व्यू और ट्रिगर मिलेंगे, उस हिसाब से हम प्ले करेंगे। ये एक ट्रैपिंग जोन है, यहाँ हमें सावधान रहना पड़ेगा। बाइंग इस जोन से ऊपर ही हम कर पाएंगे, इससे पहले अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत सस्टेनिंग करके कोई पैटर्न बनाता हुआ ऊपर की साइड हमें दिखाई देता है, छोटे एसएल के साथ में हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे इस एरिया में हम बाइंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस एरिया में अगर कोई ट्रैपिंग मिलती तो सेलिंग की ही प्लानिंग करेंगे। नीचे की साइड मार्केट इधर स्टे करता है और उसके बाद में हमें बाइंग देता है, तो हम बाइंग की बेसिक प्लान कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आप ये मार्क करके रख सकते हैं। वैसे इसकी संभावना है कि आएगा नहीं आएगा, अगर आप 3300-3200 के आसपास का ये लेवल लेके चलो, 3200 के आसपास। अगर आप ऑप्शन में हेजिंग का काम करते हो तो लगभग ये एरिया आपके लिए सेफ रहेगा। और नीचे की साइड में ये जो बॉटम है, ये वाली रेंज आप सेलिंग के पर्पज से आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम्स भरे हुए हैं, तो ये दोनों के दोनों साइड से आप स्ट्रेंगल प्ले कर सकते हो। ठीक है, कल के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी कुछ आप मुझसे उम्मीद करते हो तो कमेंट करके बताइए, मैं वो चीज़ें भी साथ साथ में अपडेट अपने वीडियो में करना शुरू कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।